Class seventh. Now today we will discuss chapter second of history, the regional kingdoms. In this chapter, we will discuss about these points. First point: the rise of new kingdoms and kingdoms in the early medieval period. <coughs> Third point we will discuss tripartite struggle over the possession of Kannaus. And some other point origin and growth of Rajputs. Next point South India. Next point the raids of Mahmud Ghaznavi. This point we will discuss in this second chapter regional kingdoms the rise of new kings and kingdoms in the early medieval period there were large number of regional kingdoms in india the pala dynasty dominated eastern india from the middle of the 8th to middle of 9th century that is फॉर अबाउट ए हंड्रेड ईयर्स पाला रूलर्स कंट्रोल्ड ईस्टर्न इंडिया मीन्स बिहार एंड बंगाल अर्ली मिडबल पीरियड में कई ऐसे छोटे छोटे किंगडम कई ऐसे राज्य बने जिन्होंने अपने अपने स्टेट में अपने अपने रीजन में राज किया इसमें एक नाम आता है पाला डायनेस्टी का पाला डायनेस्टी ने ईस्टर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में एट सेंचुरी टू नाइन सेंचुरी तक लगभग हंड्रेड इयर्स तक इन्होंने रूल किया पाला रूलर्स जो थे इन्होंने ईस्टर्न इंडिया का पार्ट कंट्रोल किया जिसमें कि बिहार और बंगाल का नाम आता है गोपाला वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी पाला डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर गोपाला था इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट नालंदा यूनिवर्सिटी विच वॉज फेमस ऑल ओवर एशिया वॉज रिवाइव्ड बाई पाला रूलर नेम्ड धर्मपाला बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी थी क्योंकि पाला रूलर धर्मपाला ने इसको रिवाइव कराया था ही आल्सो फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन मगध धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की थी स्थापित किया था गंगा रिवर के किनारे गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया एंड द अपर गंगेटिक वैली टिल द मिडिल ऑफ टेंथ सेंचुरी और ये तो ईस्टर्न इंडिया ऊपर बता दिया अब वेस्टर्न इंडिया में गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी ने गंगेटिक वैली की तरफ टेंथ सेंचुरी में अपना रूल किया द प्रतिहाराज आर आल्सो कॉल्ड गुर्जरा प्रतिहारा प्रोवेली बिकॉज देयर ओरिजन कैन बी ट्रैश्ड बैक टू गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान प्रत्यारा डाइनेस्टी के राजाओं को गुर्जरा प्रतिहारा भी कहा जाता था शायद इसका रीजन ये था कि वो गंग गुजरात से बैक होकर के साउथ वेस्टर्न पार्ट पे आए थे इसलिए भी गुर्जरा प्रतिहारा इनका नाम पड़ा द मोस्ट पावरफुल रूलर एंड फाउंडर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज किंग भोजा प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल जो थे उनका नाम था भोज द चाहमाना और चौहानस वॉज एन अदर ग्रुप ऑफ राजपूत हु रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ डेली एंड अजमेर चाहमाना डायनेस्टी या चौहान भी इनको कहा जाता था ये राजपूत होते थे इन्होंने दिल्ली और अजमेर के रीजन पर शासन किया था और दे फॉट विद अदर रूलर्स ऑफ द रीजन लाइक चालुक्याज ऑफ गुजरात चौहान डायनेस्टी के लोग जो थे इन्होंने चालुक्या जो गुजरात के रूलर थे इनसे लड़ाई भी लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चौहान डाइनेशी हू डिफ़ीटेड द अफगान रूलर मोहम्मद गोरी इन नाइनटीन नाइन्टी वन बट वाज डिफ़ीटेड बाई गोरी इन एलेवन नाइनटीन चौहान डायनेस्टी की सबसे फेमस किंग जो थे पृथ्वीराज चौहान थे इन्होंने अफ़ग़ान रूलर मोहम्मद गोरी को 1191 नाइन्टी वन एडी में हराया था लेकिन उसके बाद मोहम्मद गोरी के द्वारा 1192 में इनको हार का भी सामना करना पड़ा था नेक्स्ट एक डायनेस्टी थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो फाउंड की गई थी दंती दुर्गा दंती दुर्गा इसके एक फेमस रूलर थे इनके द्वारा 753 फिफ्टी थ्री में दे हैड दिस कैपिटल एट मालखेत नियर सोलापुर इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई मालखेत में बनाई सोलापुर के पास द राष्ट्रकुटाज अलाउड मुस्लिम ट्रेडर्स टू तो सेटल एंड परमिटेड इस्लाम टू बी प्रीस्ड इन देयर डोमिनियंस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने मुस्लिम ट्रेडर्स को व्यापारियों को अपने एरिया में सेटल होने की परमिशन दी और उनको ये भी परमिशन दी कि वो अपने रिलीजन इस्लाम का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं अपने रीजन में दिस टॉलरेंट पॉलिसी हेल्प डू प्रमोट फॉरन ट्रेड विच इनरिस्ट द राष्टकूटाज ये जो धर्म इस्लाम धर्म को इंडिया में आने की परमिशन मिली इसके कारण से फॉरन ट्रेड इंडिया का राष्ट्रकूटों का काफ़ी अच्छा हो गया द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी फाउंडेड बाई दंती दुर्गा डोमिनेटेड डेक्कन एंड महाराष्ट्र एरियाज फ्लोरिश्ड फॉर अबाउट टू हंड्रेड ईयर्स राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो थी दंती दुर्गा के द्वारा फाउंड की गई थी और इन्होंने डेक्कन का एरिया महाराष्ट्र का एरिया लगभग दो सौ साल तक फ्लोरिश किया शासन किया देवर रीजनली टॉलरेटेड एंड सपोर्टेड ज शैविज्म एंड डायनेस्टी ने भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णवीज कहा जाता है उनको सपोर्ट किया शैविज्म भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैविज्म कहा जाता है उनको सपोर्ट किया जैनिज्म जैन रिलीजन को मानने वाले को जैनिज्म कहा जाता है उनको सपोर्ट किया राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने दे आल्सो रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड द इस्लाम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने इस्लाम का भी रिस्पेक्ट किया और इनको भी प्रोटेक्ट किया द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ एट एलोरा बिल्ट एक एलोरा में फेमस टेम्पल है जिसको कि डायनेस्टी ने बनवाया था दीज एम्पायरस ऑफ एन फॉर्ट एमंगल्फ दिस लेड टू फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ वेरियस किंगडम्स ये जो जितने रीजनल किंगडम बताए गए जिसमें कि पहले आपको बताया गया पाला डायनेस्टी फिर गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी फिर चौहाना डायनेस्टी फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ये सब आपस में लड़ाई लड़ने के कारण धीरे धीरे कभी राइज होते थे और कभी धीरे धीरे होते होते खत्म हो गए सम ऑफ दीज न्यू रूलर्स न्यू रूलर्स एडॉप्टेड टाइटल्स लाइक महाराजा धीराजा महाराजा धीराजा मीन्स किंग ऑफ किंग्स बट दे ऑफन हैड टू सेयर पावर विद देयर सामंताज और सब ऑर्डिनेट्स कुछ रूलर जो थे जो महाराजा धीराज के भी नाम से जाने जा गए क्योंकि ये राजाओं के राजा होते थे और ये जहां पर जीत लेते थे वहां पर अपने सामंतों की अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति कर देते थे दीज सामंताज वर गिवेन ए पोर्शन ऑफ लैंड बाय किंग्स एंड इन रिटर्न दे गेव गि गिफ्ट टू द किंग एंड गेव देम मिलिट्री सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ वॉर इन सामंतों को किंग कुछ लैंड का पोर्शन या एरिया दे देते दे थे और इसके बदले में ये सामंत जो होते थे किंग को कुछ गिफ्ट देते दे थे और मिलिट्री सपोर्ट वार के टाइम पे देते थे इन दीज स्टेट्स द किंग कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स आर एंड ट्रेडर्स और इस स्टेट में किंग को टैक्स की वसूली करना किसानों से आर से ट्रेडर्स से इसकी परमिशन होती थी द किंग यूज यूज हिज रिशोर्स टू मेंटेन हीज आर्मी एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स एंड टेम्पल्स और ये जो टैक्स किंग को मिलता था इससे वो अपनी आर्मी को मेंटेन करता था और फोर्ट किलों को बनवाता था टेम्पल्स को बनवाता था वन ऑफ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज न्यू किंग्स एंड किंगडम वर दीज रिटर्न बाय ब्राह्मण्स इन रीजनल किंगडम्स के बारे में उस समय के पीजेंट्स के बारे में आर्टिसियंस के बारे में ट्रेडर्स के बारे में जानने के लिए हमारे पास एकमात्र सोर्स है प्रशस्ति कि ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे गए थे दीज प्रशस्ती प्रेज, प्रेज दीज न्यू किंग्स एंड ग्लोरीफाई देअर क्वालिटीज इस्पेसली देर मिलिट्री अचीवमेंट्स ये प्रसिज में राजाओं की बड़ी प्रशंसा की जाती थी उनको क्वालिटी दी जाती थी उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स को उनकी मिलिट्री उपलब्धियों को का बखान किया जाता था स्ट्रगल फॉर कन्नौज ट्री पार्टी स्ट्रगल दिस हेडिंग नाउल डिस्कस सिंस द डेज ऑफ हर्षवर्धना कन्नौज वाज कंसीडर्ड द सिंबल ऑफ पावर एंड सोवरेनिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया ए पोजिशन विच डेली टू एक्वायर लेटर. कन्नौज की एक समय पोजिशन होती थी यहाँ पे हर्षवर्धन का शासन था और ये पावर का बहुत बड़ी पावर मानी जाती थी कन्नौज को क्योंकि हर्षवर्धन यहाँ का शासक था और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा किंगडम पावर के रूप में माना जाता था और यहाँ से ही दिल्ली को एक्वायर करने की नीच चली जा सकती थी कंट्रोल ऑफ कन्नौज आल्सो इंप्लाइड द कंट्रोल ऑफ फर्टाइल अपर गंगेटिक वैली एंड इट्स रिच रिसोर्सेस इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर जो भी किंग कन्नौज पे कंट्रोल कर लेता इसका मतलब कि वो गंगा के किनारे के एरिया पे पूरा अपना कब्जा कर लेता वहाँ के रिसोर्स कब्जा कर लेता और अपने ट्रेड और एग्रीकल्चर को स्ट्रांग कर सकता था द पालाज प्रतिहाराज एंड राजूटास दिस थ्री किंगडम्स पालाज प्रतिहाराज एंड राजूटास कंपटेट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज ये तीनों रीजनल किंगडम जो थे पालाज प्रतिहारास एंड राजकूटाट कन्नौज को जीतने के लिए आपस में इन्होंने खूब लड़ाई लड़ी दिस स्ट्रगल इज नोन इन हिस्ट्री एज द ट्री पार्टाइट स्ट्रगल इसको टिपार्ट है स्ट्रगल कहा जाता है दिस स्ट्रगल वी कैंड ऑल द थ्री किंगडम्स और इन तीनों की लड़ाई के कारण से तीनों डायनेस्टियाँ कमजोर पड़ गई उसके बाद नेक्स्ट आता है राजपूत राजपूत वॉज एन अदर ग्रुप विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री ऑफ मिडवेल इंडिया राजपूत राजपूतों ने मिडवेल इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया द राजपूताज इस्टेब्लिश किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया राजपूतों ने नॉर्थन इंडिया के अलग अलग पार्ट में अपना किंगडम स्टेब्लिश किया था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वर परमारास ऑफ़ मालवा चौहान्स ऑफ अजमेर गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज चालो ऑफ गुजरात एंड टोमर्स ऑफ डेली इसमें कई राजपूतों का नाम आता है इसमें कि मालवा के परमार राजपूत थे अजमेर के चौहान कन्नौज के गढ़वाल्स गुजरात के चालुक्यास दिल्ली के तोमर्स मोस्ट हिस्टोरियंस बिलीव दैट द राजपूत डिसेंडेड कुशानाज हुंस कुशानाजरा गुर्जराज एंड गोन्स कई लोगों का कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि राजपूतों को इन शिकास कुशानाज हुंस ने हरा दिया था दीज राजपूत किंगडम्स फ्रिक्वेंटली फॉर्ड एमंग दम सेल्फ एंड दे सेल्डम ज्वाइंटली हैंड टुगेदर्स बाद में ये सारे राजपूत आपस में मिल गए और मिल कर के इन्होंने एक जॉइंट आर्मी बनाई है ओके सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आफ्टर दैट यू विल गेट नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू